नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शिवास क्रिएशन। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट राइट नाउ और बेल आइकन दबाना मत भूलिए टू गेट द नोटिफिकेशंस। आज हम बात करने वाले हैं आज की रिलीज फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट टू के बारे में। स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू डायरेक्टेड बाई पुनीत मल्होत्रा और प्रोड्यूस बाई करण जौहर। ये फिल्म स्टारिंग टाइगर श्रॉफ एंड टू न्यू कमर्स तारा और अनन्या। इट ऑल्सो स्टार्स आदित्य सील एज मानव। फिल्म के बारे में बात करते हैं। फिल्म जितनी बुरी मैंने सोचा था उतनी बुरी है नहीं, पर ऑब्वियसली कुछ खास तो है नहीं। करण जौहर की फिल्म है तो वहाँ पे कॉलेज में पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है, गाने होते हैं, डांस होता है, फाइटिंग होती है, स्पोर्ट्स होता है, सारे स्पोर्ट्स होते हैं, रनिंग, कबड्डी वगैरह वगैरह सब कुछ। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो सब क्या ड्रेस पहनते, वाह वाह वाह। कभी हमारे कॉलेज में भी आइए तो पता चल जाएगा कि क्या ड्रेस यहाँ पहना जाता है और क्या करण जौहर के कॉलेज में पहना जाता है। बात करते हैं कहानी की। कहानी ट्रेलर देख के सबको पता चल चुका है, कहानी कुछ खास नहीं है, कुछ नया नहीं है। जो जीता वही सिकंदर, जो था उसी का रिहर्स्ड वर्जन है, उसी का एक ग्लॉसी वर्जन है, कोई रियलिज्म है नहीं। तो इट्स लाइक मोर किड्स फिल्म फॉर हु हैड वॉच्ड जो जीता वही सिकंदर। डायरेक्शन ठीक ठाक है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट वन जो थी वो भी कुछ खास फिल्म नहीं थी, फिर भी अच्छी लगी थी बिकॉज ऑफ करण जौहर डायरेक्शन। वो फिल्म करण जौहर ने खुद डायरेक्ट किया था। यहाँ पे पुनीत मल्होत्रा का डायरेक्शन बहुत ही वीक है, स्क्रिप्ट वीक ऐसे ही है। सो उसके लिए बहुत अच्छा डायरेक्शन होना ज़रूरी था पर वो है नहीं। काफ़ी ढीला ढाला सा डायरेक्शन है, काफ़ी एक जैसा डायरेक्शन है, कुछ नया करने की कोशिश नहीं की गई है। अभिनय के बारे में बात करते हैं। टाइगर श्रॉफ आई थिंक बहुत वन डायमेंशनल हो जा रहे हैं। एक्चुअली उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि उनकी डांसिंग और एक्शन इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसे क्यों नहीं दिखाना चाहेगा। सो उनका जो एक्शन और उनका जो डांसिंग स्किल है वो ओवरशैडो कर देता है उनकी एक्टिंग के स्किल्स को। उनकी एक्टिंग स्किल ऐसे भी कुछ खास है नहीं पर फिर भी उनको दिखाने का मौका भी नहीं मिलता। यहाँ पे भी वो बहुत कूदते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं। आई मीन व्हाट अ परफेक्ट मैन शुड डू एंड शुड लुक लाइक। बहुत कमाल के लगते हैं, बहुत बहुत कमाल के लगते हैं। और बात करते हैं आदित्य की। आदित्य जिनको हमने एक छोटी सी लव स्टोरी में मनीषा कोरेला के साथ देखा था और फिर तुम बिन पार्ट टू में भी देखा था, उनका काम भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट खड़ा होना कोई आम बात नहीं है। तो वो अपनी एक्टिंग अभिनय काफ़ी अच्छी तरह से करते हैं। दो नई लड़कियां हैं, तारा और अनन्या। दोनों में से अनन्या जो रिच स्पॉइल्ड ब्रैट प्ले करती है मानव का, आदित्य की बहन, उनका कैरेक्टर जो है वो अच्छी तरह से लिखा गया है। सो ठीक ठाक है। तारा का वन डायमेंशनल कैरेक्टर है, कुछ खास करने को है नहीं। दोनों लड़कियां ने ठीक ठाक सा काम किया है, कुछ जैसे वरुण धवन और सिद्धार्थ का था, बहुत दे बिकेम स्टार्स ओवरनाइट, यहाँ पे वैसी होने वाली है नहीं, पर उनका काम ठीक ठाक सा है। पर टाइगर श्रॉफ और उनका जो केमिस्ट्री है, कुछ केमिस्ट्री नज़र नहीं आता, लगता ही नहीं है कि वो इवन मतलब प्रेमी तो छोड़िए दोस्त भी लगते नहीं है, उनका केमिस्ट्री बहुत वीक है। म्यूज़िक जो है वो कंपेयर टू द फर्स्ट पार्ट जिसमें जहाँ पे बहुत सारे हिट गाने थे या सारे हिट गाने थे, यहाँ पे गाने ठीक ठाक से है, पेपी सॉन्ग्स है, हमेबल सॉन्ग्स है, पर उतने खास है नहीं। विल स्मिथ का स्पेशल अपेयरेंस है जवानी वाले सॉन्ग में और बाकी सारे, आलिया भट्ट का भी स्पेशल अपेयरेंस है वो हुकअप सॉन्ग में। आई थिंक फिल्म और छोटी हो सकती थी, एडिटिंग उस हिसाब से क्रिस्पर हो सकता था, बहुत कुछ काटा जा सकता था। फिल्म करीब करीब पौने दो घंटे के अंदर ख़त्म की जा सकती थी। बात करते सिनेमाटोग्राफी की, वो बहुत बढ़िया है। सारे पूरे कॉलेज को, पूरे देहरादून को और बाकी हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से और बहुत बारीकी से कैप्चर किया गया है। इट हैज़ बीन मेड श्योर कि हर लड़का हर लड़की बहुत अच्छे लगे और ये बहुत ग्लॉसी लगे पूरी फिल्म, तो वो उस हिसाब से सिनेमाटोग्राफी काफ़ी अच्छी है। ड्रेस डिज़ाइन हाँ मतलब रियलिस्टिक है नहीं पर चलिए अच्छे लगते हैं। सो ऑन स्क्रीन में आपको अच्छा लगता है कि क्या सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, सुंदर सुंदर लड़के हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छी अच्छी बाइक्स है, सब कुछ अच्छा लगता है। ओवरऑल फिल्म टारगेटेड है यूथ के लिए, गर्मियों की छुट्टी आ रही है, सो मे बी जो स्कूल के बच्चे हैं उनको अच्छा लग जाए। कॉलेज के बच्चे आई थिंक दे हैव ग्रोन अप, वो काफ़ी सीरियस हो चुके हैं, वो उस फिल्म समझते हैं। 11-12 के बच्चों को अच्छी लगेगी। कॉलेज गोइंग सारे दोस्त वोस्त गए, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खाए, फिल्म देखी, तो ठीक है, वन टाइम वॉच हो सकता है। इस फिल्म को सीरियसली मत लीजिए,
ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत जाइए, शायद आपको ठीक ठाक लग जाए। मेरे हिसाब से 6 out of 10 stars। बिज़नेस डिफ़िकल्ट है बताना, टाइगर श्रॉफ का मार्केट अच्छा है, पर कलंक के फ्लॉप हो जाने से इस फिल्म की ओपनिंग पे असर पड़ेगा। फिल्म को मेरे हिसाब से कुछ 10-12 करोड़ की ओपनिंग मिलेगी। फिर गर्मियों की छुट्टी आ रही है, ठीक ठाक बिजनेस कर लेगी, 100 करोड़ का आंकड़ा शायद ना क्रॉस कर पाए। मेरे हिसाब से 60-70 करोड़ का बिज़नेस मैक्सिमम कर पाएगी। मिलते हैं फिर किसी और रिव्यू के साथ। बाय बाय।